फिर मजा जेडे मजा आखे बाबा उठ जा रहे मारी बैठे मारी मैं संडर है मारी बोली है मारी मैं संडर है रे भाई मैं तुमने कुछ नहीं कहता मारी मैं सा आवे पानी पी गए तो रस्ते में तेरे झोंपड़ी ला दी आप बोले भाई नहीं नहीं मनन लग गए आप का रूटीन सी खरास लाया ही ना चक्की जी बैलना वाली कहना जब वो सान खड़ा उनको बाबा मीरे जी बुला रहा उन्हें कान फड़ेगा बाबा मीरे जी बुलाना तेन उन्हें छुप करके आ गया खरास सिर दे के तो दाने पीसने का आपने कहना भाई ईशा की नमाज मेरे मगर पढ़ो सुबह की पढ़ो रात सारी जहाँ मर्जी फिरो तो एक अलग सौ ना खाया जे मेरी सौ सौ मीरन जी की सौ मीरन जी की दो दिन असी और चले गए अभी कुकड़ियाँ लेन कुकड़ियाँ कहते छलियाँ जी असी कुकड़ियाँ कहते हैं नाल बंदे चले गए मुंडे जी छोटे छोटे चले जा जिस वक्त असी गए मारकंडा सुक्का सी यही सौन का महीना सी पानी आया जना पानी चढ़ गया चोखा चढ़ गया एक अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह हाँ जी बुजुर्गो की हाल है ठीक हो क्वाइट वेल खैर खैर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह ते ना की ये अपना आज मोहम्मद यासीन हाँ जी मोहम्मद यासीन अब्बा जी का ना की सी सूफी करम नवाज सूफी करम नवाज ते दादी रांदा कंवर खान अच्छा तुहाडे नाल ना अज पुरानी गलबात करनी है 1947 जो पाकिस्तान बनया तो तुम इतने किमें आए पिछे रहन सहन किंज का सी कि लोगों में रेंदे सो उस बारे में गलबात करनी है तो थोड़ा ये दसो कि अपना पिछला पिंड केड़ा सी जिथे तुसी जम्मे पले सो मेरा पिंड जी ठेसका मीरा जी अच्छा सूफी अब्दुल हमीद जो महकमा तालीम का वजीर थी सा अजीज सी अच्छा बलागिरी का ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਠਸਕੇ ਮੀਰਾਂ ਜੀ ਐਚ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਥਨੇਸਰ ਥਨੇਸਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਠਸਕੇ ਮੀਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਬੁੱਚੀ ਸੀ ਬੁੱਚੀ ਥਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਾਲਸਾ ਟਗੋਰ ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ ਲਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਠੇਸਕਾ ਮੀਰਾ ਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਨ ਸੀ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ 43-44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਸਾਮ ਬਰਮਾ ਅਸਾਮ ਗਏ ਸਨ ਰੰਗੂੜ ਸਿਖਰਾਣ ਵਾਲੇ ਠਸਕੇ ਮੀਰਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਚਰਚ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ 28 ਕੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 1928 ਦੀ 19-20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਗੋਤ ਤੂਰ ਤੂਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਠਸਕਾ ਮੀਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਸੀ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ ਬਰਸਾਤੀ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਵਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਕੰਡਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਠਸਕਾ ਮੀਰਾ ਜੀ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਢੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਬੈਠ ਗਏ ਮੈਂ ਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਵਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਵਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਝੋਂਪਣੀ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਝੁੰਡਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਜਾ ਰਹੇ
तक हमारे बैठे मारी मैसा डर है मारी बोली है मारी मैसा डर है रे भाई मैं तुमने कुछ नहीं कहता मारी मैसा आवे पानी पीके तो रस्ते में तेरे झोंपड़ी ला दी आप बोले भाई नहीं नहीं कुछ कहन लगी हैं आपने दुआ की दी यार अपने फजल कर तो मैसा दूर दूर जान लग गया मैसा दूर दूर जान लग गया फिर औड़ी औड़ी मन तो होगी मनन लग गए आपका रूटीन सी खरास लाया ही ना चक्की जी बैलना वाली वो कहना जब भी वो सान खड़ा उनको बाबा मीरे जी बुला रहा उन्हें कान फड़े बाबा मीरे जी बुलाना तेना उन्हें छुप कर गाने खरास सिर दे के तो दाने पीसने करने 12 महीने लंगर चलता सी तंदूर की रोटी मछली की दाल साढ़े बडेरे अपना काम करके सारी दिहाड़ी रोटी वहाँ खावा दे आप अच्छा लंगर चल पाया जी बड़ा मशहूर हो गया मीरा जी दरगाह होंदी सी पिंडे च मीरा जी साहब आप वो लोग पिछले बडेरे से दूसरा काम करते सन चोरी चारी का आपने कहना भाई ईशा की नमाज मेरे मगर पढ़ो सुबह की पढ़ो रात सारी जहाँ मर्जी फिरो ते अल्लाह की सौ ना खाया जे मेरी सौ मीरन जी की सौ मीरन जी की ते वो लोग फिर औली औली मौलवी सर रहीम बख्श जिसे नाम से रहीम यार खां बने हाँ जी ते वो तबलीग उन्हें कीती पिंडी च आ गए फिर लोग औली औली राय रास्ते आ गए सन ठीक पिंड च एक ही दरबार सी जां होर भी है सन दरबार इक्को सी इक्को ही सी अच्छा पिंड च स्कूल है सन उत्थे स्कूल है सी किन्ने सन एक ही मेरे ख्याल एक ही सी तुसी उत्थे स्कूले जांदे होंदे सो जां मैं नहीं गया मैं सवाल ही पढ़िया उक्का गई कोई नहीं स्कूले सवाल गए सी अच्छा ओए ते पिंड दे विच केड़ी केड़ी जात बिरादरी दे लोक रहिंदे सन मुसलमानां विचों आं राजपूत सी तूर ही सन सारे ते जड़े उत्थों दे जड़े कोई कमी कमीन सन जड़े ओ केड़े केड़े सन ओ सिख जी चूड़े सन चूड़े सन मारे बडेरे भी पहले सिख दे जी सारे तुहाडे साडे सब के हाँ जी हाँ जी सिख मुसलमान होए हैं निजामुद्दीन औली आया अजमेर शरीफ हाँ जी उन्हें सलाम फैलाया क्यों जनार सुले बाद सुले सुने फरमाया जाओ उठे काफर रहते हैं हाँ जी हाँ जी दीन फैलाओ आपने आके तबलीग की थी दिन अल्लाह नसीब सी ईमान ले आए हाँ जी हाँ जी चमार भी है सन पिंड चमार भी चूड़े चमार चूड़े चमार कहते हैं हाँ जी तुसी इन्हां दे विचों कुछ लोगों के नाँ जानते हो नहीं हूँ तो बोल बोल गए मैं कोई ईसर चंद ऐसी उत्थे उस वेले 20-22 साल का सी आम चूड़े जड़े उनके लटरीना बन गई ना इतने हाँ जी हाँ वो एक पास एक खुड़िया बनाई थी हाँ जी तो साफ कर दे वो साफ कर दे ठीक है जेड़े उत्थे पिंड चूड़े चमारियां दूजे लोग सन जेड़े उत्थू दे मतलब गैर मुस्लिम लोग सन जेड़े उन्होंने विचों तुसी किसी का नाम जानते हो मेरे नाम भूल ना ना भूल भूल गए अच्छा जेड़े अपने मुसलमान सन इन्हां दे किन्ने कु घर सन उत्थे अंदाजन 150-150 सारे तूर राजपूत ही सन इन्हें चू जो कोई मशहूर बंदे सन सूफी रहीम साहब तू अलावा वो केड़े केड़े सन जबरदस्त ही गुलाम बास वो बैठे इस वे ऐसे सुल्तान ठक्कर के बैठे नहीं नहीं मुजफ्फरगढ़ ही जाए अच्छा मुजफ्फरगढ़ वाले पास खैर सुल्तान अच्छा अच्छा उठे बैठे हैं बंदे गुलाम बास शरीफ ए लंबरदार होंगे त्रै भरा त्रै लंबरदार सन नहीं त्रै भरा सन त्रै भरा सन बाकी दूसरी बदे में लंबरदार आए सन उनके नानी सन नानी होंगे लंबरदार उन किन्ने सन पिंड दे आज अपने जानते सन भाई हाँ जी अच्छा हो गया तो पिंड की थोड़ी शक्ल दसो कोई डेरा शेरा होंदा सी उत्थे जिथे लोकी बैंदे होंदे सन मसीतां किन्नियां सन पिंड च मसीतां मेरे ख्याल त्रै चार मसीतां तीन चार मसीतां सन ते कोई गुरुद्वारा धर्मशाला गुरुद्वारा कोई हुन बन गया हाँ जी और वेख्या ना इंटरनेट
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਮਾਰਕੰਡੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਾਮੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਲੈਣ। ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਮਾਰਕੰਡਾ ਸੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਚੋਖਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੂਛ ਨਾ ਫੜੀਏ, ਗਾਂ ਦੀ ਬੂਛ ਫੜ ਲੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਦੀ ਬੂਛ ਫੜ ਲਈ। ਗਾਂ ਜਦ ਗਈ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਪੂਛ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕਦੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਪੂਛ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਚਾ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚੜ ਗਏ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਗਏ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਏ ਤੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ। ਕਿਆ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬ ਕੁੱਟਿਆ, ਦਬ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ? ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੋਬਾ ਕਰਿਆ, ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਸੱਤ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਛੱਡ ਲਿਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸੀਤ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਮੁਠਿਆਈ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਲਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਮੈਂ ਬਰਫੀ ਬਰਫੀ ਦੇ ਪੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੱਡੂ ਲੁੱਡੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲਾਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਜੂਹ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਸਭ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਡੰਗਰ ਸੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਸੋ? ਨਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ। ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉੱਥੇ? ਅੱਠ। ਅੱਠ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼ਬਾਦ। ਸ਼ਬਾਦ ਸ਼ਬ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੁਰੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਇਨਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ, ਕੋੜਵਾ। ਕੋੜਵਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਟੇਪਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਨਸਰੋਲੀ ਪਲੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠਸਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਵਾਏ ਬੁੱਚੀ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਬਾਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਟਗੋਰ, ਝਾਂਸਾ, ਇਹ ਰੋਡੀ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਲੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਰੱਬਾ ਪੈਲੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਜੀ, ਅਲੀ ਨਵਾਜ, ਕਰਮ ਨਵਾਜ। ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਰਾਨੀ। ਬਰਾਨੀ ਸੀ। ਖੂਹ ਹੈ ਸਨ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਊਠਣੀ ਡਾਚੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਖੂਹ ਆ ਗਿਆ, ਟਿੰਡਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਠੱਕਰ ਕੇ ਵੜਿਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਠਸਕੇ ਮੀਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਤੂ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਯੂਬ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ ਕਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਖੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਫੋਨ ਉੱਤੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ? ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਖਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਸਰ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ,
पहला कट्ठे सारे खाते तो हूँ भी बड़े घर में सैना काम कर दिया ने फिर इनकी लभ लभ लपा के बाकी अहले खिताब ने इसलिए सलाह भी मानते ने ईसाई ईसाई उत्थे ईद जड़ी है जां जदों फिर रोजे होंदे सन ते जड़े गैर मुस्लिम सन वो पूरा तावन करदे सन नाल नहीं सानू कुछ नहीं कहते सी कुछ नहीं सन असीं अपने त्यौहार मनांदे सन ते मेला लगना मेरे नहीं साहब का हिंदू भी जाते सन मनता सारी मानते सन हूँ भी मनता उस नहीं गया वो दरबार आबाद है ये भी है हाँ मैं जानता हूँ ठीक है फिर ये दसो कि जदों संताली की वंड हुई सी जदों तो उदों फिर पिंड किंज के हालात हुए सन उत्थे पहला तो अमन मान ही सी जब ये जो बंदे गए ना पंजाब के इन्हें मार्ग राय बना दसिया महाराजा पटियाले उन्हें फिर हालात छुट्टी कर दी शाही सूही जो बागी हो गए सारे तलवारा गन्ना गन्ना कौन ही तलवारा तीर सोडियम बलम ला लेने पहले ये हथियार होंगे जिसे जोर सी मुसलमान का उनका पानी चढ़ता नहीं सी जिथे थोड़े सन वो अपने फिर कैंप लगे एक कैंप इतने लग गया जी सके लग गया पूरे मुखे लग गया हाँ जी जहाँ जहाँ एक मिनट जो तुम ठसके मीरान जी 800 उत्थे कोई हमला नहीं सी हुए तो आड़े थे नहीं नहीं साढ़े तो अनु आले दुआले दे किसे पिंड दिया लोगों ने आके नहीं सी तंग नहीं सानु साढ़े उन गया जुड़ दी नहीं पहनती थी हाँ डाढ़े सो तुसी हो डाढ़े फिर तुसी जदों पिंडों उठे सो तो अनु किन्ने उठाया सी आके आर्मी ने उठाया सी आके नहीं नहीं आर्डर आ गया ही पाकिस्तान जाना है सारे मुसलमान निकल जाए तो चले जाओ अल्लाह की तरह हो जाओ अच्छा मकान सामान सारा छोड़ गए अलग छोड़ फिर एक छोटा जा संदूक उसे सवालियाँ कुछ खाने पीने का समान चने गुड़ वो थोड़ा जा रख लेना मेरा से जहाँ रात भाई खा लेंगे जलंधर आ गए ना हाँ जी हमारी ट्रेन तीन दिन खड़ी रही तीन दिन खड़ोती रही खड़ोती रही अच्छा फिर डोगरा फौज आई पैसे इकट्ठे करके दिए सारे ने एक चौदह भी आता सी एक चौधरी आता सी बशीर उनका कारखाना सी लकड़ी का उसने चौधरी जिवें खुसरी जो बंदे हुए ने अपना हूँ इस वे अली हसन है पिंड खुसरी च या बागड़ी आए इसलिए चौधरी सी उन्हें कट्ठे करके सारे दो दो चार चार आने वो आने होंगे सी भाई उन्होंने पैसे दिए वो गड्डी साड़ी अमन मान ले आए थे पाकिस्तान रिश्वत लैके तो लैके आए उन जो खिलार दिता सी खुले लान ला दी थी सीढ़ियाँ पड़िया ने बह पड़ी है सिर पड़े हैं ढड़ क्यों गड्डी बढ़ते सर ना के बंदे में गड्डी से हमला भी हो यहाँ से ना साढ़े उन्हें डोगरा ने ना बिल्कुल साढ़े नेड़े कोई शायद नहीं जान दी अच्छा ठीक है तुसी जी तो ठसके मीरा जी तो निकले सो तो सब तो पहला कितने आके बैठे सो छोनी अंबाला छोनी अंबाला छोनी आके बैठे छोनी आए अच्छा राह दे विच कोई हमला नहीं सी होया तुहाडे कोई अच्छा तुसी जड़ी निक्की ईद है उत्थे ही लंघाई सी निक्की भी बड़ी ईद उत्थे गई हां फिर तुसी चिरके आए हो इत्थे ठीक है फिर अंबाली अगे कितने आए सो छोनी नहीं अंबाली अंबाले छोनी तो अगे फिर कितने आए सो सीधा जलंधर 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 गड्डी रोकी ना हाँ जी फिर चले गए गुजर खान गड्डी गुजर खान गई अच्छा एक रात रहे कैंपी च वाली साहब बाद शोर बंदे थे नमाजी परेज उन्हें कैंप छोड़ दिया उदों ट्रेन सू पूछता को नहीं सी जहाँ मर्जी जाओ कोठी कटनी कोई फिर अस गुजराने गए दो महीने गुजराने रहे फिर उस तो बाद फिर वजीराबाद आ गए थे वजीराबाद रहे कोई पाँच छः महीने फिर वो मारे बडेरे नाने
दादा तो बहुत हो गए थे इंडिया च। इधर आ गए चलो अभी गाजर मूली खाने वाले बंदे हैं गोंगलू, चलो पिंड चली गए। इत आ गए जाना असर भोले मूसे इतने अडेरा नाल ही पिंड इतने बैठ के दो तेरे बंदे पिंड के आए जट। उन्हें कहा भाई कहाँ जाना हाँ जी भोले मूसे उन्हें वे कहने वाली सारी पोजिशन यार तुम साढ़े पा जाओ मारे से पहला और अभी जोड़े बैठे हैं शाह वो इतने से वो छिया सन इन्होंने उन्होंने कड़ छड़िया भाई मतलब किस वे सारे भी बढ़ना पै हाँ जी वो छड़ दिए। फिर यहाँ हम बैठे पांच चार मकान लभे एक मेरबला एक इंजा एक इंजा अस आप बंड ले सन। फिर सारे जिमी लाट पिछले फार्म आ गए जिमी लाट हो गई इतने इस पिंड तो इस पिंड का नाम की है अजीज चक। अजीज चक जिला केड़ा गुजराला गुजराला तहसील वजीराबाद वजीराबाद ठीक। अच्छा इन्ना चिर हो गया 74 साल हो गए ने हुण पाकिस्तान बने नूं ते पिछला पिंड जिहड़ा तुहाडा अपना है वह किन्ना कु तुहानूं याद आउंदा है? याद नहीं आना जो साड़ी याद ही कोई याद तो आदि याद याद हो गया जो याद ही कोई उठे हाँ जी सब आ गए इधर याद क्या होना नक्शा याद है सारा पिंड का किन होता सी अपना घर पिंडों केड़े पासे होता सी लेंदे पासे लेंदे पासे होता सी ठीक। जे पिंड हुण लै के जाना जाया जाए तुर जाओ ते नहीं टुरदे जां पर बंदे को नहीं जानदा की फायदा वाह बंदा होए जो सलाम का लै ठहरे अगो झले वाले को सलाम भाए वो बंदे मर मुर गए ने उत्थे ठसके दी की शै मशहूर सी ठसके दी आई मेरा साहब का दरबार ए मशहूर सी मेरा जी ठीक। चलो सही तुहाडी बड़ी मेहरबानी तुसां गलबात कीती है और पूछना कोई पूछना नहीं बस हो गया।